नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। थाने, खारगढ़ त्रासदी के पीड़ितों को 5 लाख या 25 लाख दे, नसीम खान की मांग। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने दावा किया है कि एनसी खारगढ़ हादसे में 13 नहीं बल्कि करीब 50 लोगों की जान चली गई और करीब 500 लोग घायल हुए। इसलिए उन्होंने यह भी मांग की कि मृतक को 25 लाख रुपए दिए जाए और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए और मौजूदा न्यायाधीश के माध्यम से यह कहते हुए मामला किया जाना चाहिए कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया था, जिस कंपनी को उपठेका दिया गया था, उसमें भ्रष्टाचार था। उन्होंने यह भी मांग की उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के लिए कार्यवाही की जाए। वे ठाणे स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। इस बार उनके साथ शहर अध्यक्ष विक्रांत चौहान, प्रदेश सचिव मनोज शिंदे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष दयानंद चौरगे, प्रदेश सचिव अनिस कुरैशी, प्रदेश सदस्य राजेश जाधव, मुख्य प्रवक्ता सचिन मौजूद थे। शिंदे, राहुल पिंगले, महिला अध्यक्ष वैशाली भोसले मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए नसीम खान यानी ने कहा कि दरअसल इस समारोह के राजभवन में होने की उम्मीद थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह समारोह केवल राजनीतिक लाभ के लिए कड़ी धूप में आयोजित किया गया। केंद्र की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन दी गई थी। इसके मुताबिक ठाणे, नवी मुंबई आदि जगहों पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक के बावजूद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा जो नेता 14 करोड़ खर्च आए थे उनके पास ही सारी सुविधाएं थी। हालांकि ठेकेदार ने दूर से आए लोगों के लिए पानी, भोजन, टेंट आदि जैसी आवश्यक व्यवस्था नहीं की। साथ ही जिन ठेकेदार को काम दिया गया था, उसने इसे किसी और के उपठेके पर क्यों दिया, उन्होंने यह सवाल भी किया। इस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि शिवसेना के प्रवक्ता नरेश मस्के, जिस कंपनी को यह काम दिया गया था, वह लाइट एंड शो का संयुक्त भागीदार है। इस मौके पर उन्होंने यह भी मांग की थी कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और मामले की अध्यक्षता वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। दूसरी ओर इस घटना में मरने वाले को साधारण सांत्वना देने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं ले जाया गया। उन्होंने इस घटना में मरने वाले के लिए 25-25 लाख रुपए के साथ साथ उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और इलाज के लिए भर्ती लोगों को 10 लाख रुपए देने की मांग की। बीड, गेवरेट निराश्रित श्रवण बाल योजना की सब्सिडी खत्म, तहसील कार्यालय पहुंचे हितग्राही। पिछले कुछ महीनों से संजय गांधी, बेसहारा और श्रवण बाल योजना के लाभार्थी बुरी तरह से संकट में। निराधार योजना की राशि उनके बैंक खातों में जमा होने की आस में तालुका के कई स्थानों पर लाभार्थी बैंकों की भीड़ लगा रहे, लेकिन बैंक जैसे ही तहसील कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दे रहे, हितग्राही परेशान है। कुछ लोगों का मत है कि मृत्यु प्रमाण पत्र न देने के कारण उक्त अनुदान राशि की वसूली नहीं हो पाती है। हालांकि तहसीलदार खाड़े ने जवाब दिया है कि एक बैंक का चेक जमा हो गया और जल्द ही दूसरे बैंक का चेक भी जमा हो जाएगा। संतोष सुतार ने टिप्पणी की है कि उत्तर संतोषजनक नहीं है। सोलापुर, बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में गुलाम नबी आजाद, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, सुशील कुमार शिंदे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा बयान पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में दिया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। जैसे ही शिंदे ने कोली मारी, हॉल में धागे लग गए। वे आज सोलापुर के कुंभारी में अश्विनी नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस बीच जब मैं कांग्रेस का सदस्य था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे संयुक्त राष्ट्र में भेजा था। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, मैं वहाँ कांग्रेस की वकालत करने नहीं गया था, मैंने देश की वकालत की थी, इसलिए मेरे बाद लौटो। वाजपेयी ने मेरा सत्कार किया। कांग्रेस के आदमी को संयुक्त राष्ट्र में भेजना मुश्किल है, यह खत्म हो गया है। अदालत में तुरंत मान्यता शब्द है। मैं अदालत में भी काम करता था, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, सुशील कुमार शिंदे ने इस बार कहा।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।